you all are fine and enjoying your studies daily तो आज मैं फिर आपके सामने आपकी ही demand पे जैसे कि एक student ने बोला कि मैम हमें अभिले lesson कराइए तो मैं शॉर्ट stories में से एक छोटी सी स्टोरी है अभिले ही आज आपके साथ डिस्कस करूंगी कहानी शुरू करने से पहले बेटा मैं आप लोगों एक बार फिर ये बोला चाहती हूं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं और आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ भी रहे हैं तो जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है आई एम ऑलवेज एयर टू हेल्प यू आप कभी भी मुझे कमेंट बॉक्स में या मतलब अपने सजेशन बॉक्स में डाल के कुछ भी पूछ सकते हैं तो मैं ये स्टोरी जो है आपके सामने इसकी एज यूजल समरी नरेट करूंगी और आई होप आप उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और हाँ मैंने जो आपको होम टास्क दिया होता है ना तो वो आप लोगों के करने के लिए होता है इसीलिए उसके आंसर्स नहीं मैं देती हूं कि आप भी ट्राई करो आप खुद से ट्राई करो कि देखो कि आप लोगों से वो क्वेश्चन के आंसर बनते हैं या नहीं ठीक है अगर फिर आपको क्वेश्चन के आंसर बनाने में प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताएं मैं फिर से उनका लेक्चर जो है वो दे दिया करूंगी ठीक है तो अस तो स्टार्ट द स्टोरी अभिले रिटर्न बाय अब्दुल घनी शेख अब्दुल घनी शेख वॉज ऑल्सो अ वेरी फेमस राइटर

But the reaction of oldies, reaction of oldies to this trend of the older illiterate woman in particular is debatable. समझ रहे हैं मेरी बात को कि देखिए हमारा सबका मन है कि हमारे बच्चे मतलब पेरेंट्स का मन तो होता ही है कि बच्चे बाहर जाके पढ़े अच्छा एजुकेशन लें लेकिन आजकल बच्चे खुद भी बहुत प्रिपेयर्ड हैं बहुत आगे हैं उनको पता है कि हमारा नेक्स्ट फ्यूचर किस में अच्छा है किस में बुरा है तो वो बाहर जाने से बिल्कुल घबराते नहीं है पेरेंट्स को डर लगता है उन्हें बाहर भेजने में लेकिन वो खुद से बिल्कुल घबराते नहीं है बट ये जो मतलब ट्रेंड है बाहर जाने का जो हमारे घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं जैसे आपके घर में भी कोई दादा दादी है तो उनको ये जो है थोड़ा सा ये नहीं ठीक लगता है उन्हें लगता है कि बाहर जाना स्पेशली लड़कियों के लिए को लगता है कि नहीं बाहर जाने में क्या है खतरा है तो यही चीज इस स्टोरी में है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अभिले ऑल्सो रिएक्ट टू फॉर एजुकेशन एट श्रीनगर इन हर ऑन वे इन एडिशन टू सिनेमा एंड मोटर ट्रांसपोर्ट इस कहानी में इस कहानी में जो अभिले है मतलब कि जैसे हम अपने आ, अक्सर हम जो हमारे घर में दादा या दादी होते हैं हम उनको किसी कभी किसी लैंग्वेज में उनको मां जी बोला जाता है किसी में दादी किसी में दादी अम्मा किसी में अम्मी कुछ कुछ बोला जाता है तो यहाँ पे लद्दाख में जो दादी है उनको अभिले बोला जाता है तो इस स्टोरी में जो अभिले दादी है किसकी राइटर की दादी वो अपने मतलब जो उसकी ग्रैंड डॉटर है उसकी पोती उसके लिए बहुत परेशान है जिसका नाम है रुखसाना उसके लिए बहुत परेशान है क्योंकि वो श्रीनगर पढ़ने के लिए गई है ठीक है तो इस स्टोरी में हम क्या करेंगे द स्टोरी रिटर्न बाय अब्दुल घनी शेख पोर्ट्रेट द प्रॉब्लम ऑफ जनरेशन गैप मेन जो इसमें है वो क्या है जनरेशन गैप के बारे में है ये स्टोरी तो लेटस्ट स्टार्ट द स्टोरी

she always get worried about her granddaughter Rukhsana जो कि किस चीज के लिए हायर स्टडीज के लिए श्रीनगर गई थी दादी अभिलय जिनको अभिलय बोला जाता है उनका नाम नहीं है अभिलय वो अभिलय वहां पे उनको बोला जाता है वो हमेशा अपनी जो उनकी ग्रैंड डॉटर थी यानी कि जो राइटर की बेटी उसके लिए वो हमेशा राइटर की बेटी नहीं वो खुद ही राइटर की दादी थी तो उनकी अपनी जो ग्रैंड डॉटर के लिए वो हमेशा परेशान रहती थी वेन अभिले हर्ड द न्यूज ऑफ अर्थ वेक इन टर्की हर फेस टर्न येलो एंड शीप्रेड टू गोड टू हैव पिटी ऑन हर ग्रैंड डॉटर रुकसाना ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली बर्स्ट आउट लाफिंग राइटर्स एल्डर ब्रदर कागा टोल्ड हर द रुकसाना वॉज इन श्रीनगर नॉट इन टर्की एंड द अर्थ क्वेक हैड हिट टर्की विच वॉज थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम श्रीनगर क्या है कि जब अभिले ने भूकंप आने की बात सुनी तो वो बहुत परेशान हो गई उनका चेहरा ऐसे डर से पीला पड़ गया और वो भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी कि मेरी बच्ची की रक्षा करना मेरी बेटी को बचाना उसकी मतलब रखवाली करना तो सारे जो फैमिली के मेम्बर्स थे उन्होंने हंसना शुरू कर दिया क्यों? क्योंकि वो किस बात पे हंस रहे थे क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो रुखसाना है वो कहां पढ़ने गई थी श्रीनगर और अर्थक्वेक कहां आया था टर्की में तो वो उनको बताने लगे कि जो अर्थक्वेक है टर्की में आया है और जो रुकसाना है वो श्रीनगर में है टर्की उससे श्रीनगर से कितनी दूर है कितने मील दूर है तो उसको वहां पे कुछ नहीं हुआ होगा वेन शी केम टू नो That that the bus in which Rukhsana was travelling had broken down near Kargil, she argued that Rukhsana must have not survived. जब उन्हें पता चला कि Rukhsana जिस बस से मतलब फिर भी वो हालांकि family members ने बता दिया कि वो ठीक है उसे कुछ नहीं हुआ फिर भी एक अन कहा अन सुना अन देखा डर उनके चेहरे पे था और उनके आंसू रुक नहीं रहे थे और अगले दिन उनके मन में इतना डर मतलब हो गया कि जब मतलब उनके मन में ये डर पता कब से था जब रुखसाना श्रीनगर के लिए घर से रवाना हुई थी तो जिस बस में रुखसाना गई थी श्रीनगर जब उनको पता चला कि करगिल के पास पहुंचकर वो बस जो है वो खराब हो गई वो बस उन्होंने फिर से ऑर्ग्यू करना शुरू कर दिया फैमिली मेंबर्स के साथ कि रुकसाना नहीं बची होगी रुकसाना माइट नॉट है तो फिर कागा कंसोल्ड हर कागा कौन जो राइटर के बड़े भाई उनको वहां कागा बोला जाता कागा उन्होंने उनको कंसोल किया मतलब बड़ा दिलासा दिया कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ द बस डज नॉट मीन एन एक्सीडेंट कि बस क्या खराब होने का मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं है इसका मतलब है कि देयर इज सम डिफेक्ट इन इंजन कुछ डिफेक्ट है इंजन में दैट आफ्टर रिपेयरिंग इट वुड अगेन मूव ऑन द रोड कि जब उसको हम वो ठीक करेंगे बस को वो बस फिर से रोड पे चलना शुरू हो जाएगी वेन एवर शी हर्ड अबाउट सम एक्सीडेंट फायरिंग डिसअपियरस ऑफ द एरोप्लेन ऑफ एन एरोप्लेन शी वॉज वर्ड अबाउट रुखसाना मतलब जब भी वो किसी कोई अगर सुनती कि कोई जहाज गुम हो गया है कोई एक्सीडेंट हो गया है या कहीं पे आग लग गई है तो उनका ध्यान कहा जाता रुखसाना की साइड जाता और हमेशा वो कहती कि वो सेफ नहीं है शी वुड वॉन्ट दैम अबाउट सेंडिंग रुखसाना तो श्रीनगर अगेन वो बस फिर फैमिली मेंबर्स को कहना शुरू कर देती खबरदार अब वो आएगी अगर आपने दोबारा रुखसाना को वहां श्रीनगर भेजा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा देखो बेटा इट इज बट नेचुरल कि जो हमारे घरों में हमारे बुजुर्ग होते हैं वो हर एक की फैमिली में ऐसा ही होता है होता है ना जनरेशन गैप देखिए मेरी और मेरे पेरेंट्स की सोच में गैप था आगे मेरी और मेरे जो बच्चे हैं उनमें गैप है और आगे जो आज से दस साल बाद जो आगे टाइम आएगा उसमें भी गैप होगा मेन जो फोकस है इस शॉर्ट स्टोरी में इसी गैप के ऊपर है जेनरेशन गैप के ऊपर ये आपका जो फोकस uh, I mean, है मेन यही है सो शी वॉज रियली वेरी मच वरीड अबाउट रुकसाना मतलब वो हमेशा उनके लिए चिंतित रहती थी वेन दे टोल्ड हर दैट दे वुड टेक हर ऑल्सो टू श्रीनगर टू मीट रुकसाना तो शी गेट एंग्री She would become angry and declare that she would not go anywhere and never leave her children and, and grandchildren and would never go anywhere. Abhile had not even gone beyond a distance of 10 miles from her village. Two years ago, after a gap of eight years, she had gone to lay town for the annual festival. When she returned home, she said that she हैड हैड एक एंड डिक्लेयर डेट शी वुड नेवर गो अगेन जो ये हमारी दादी अभिले यहाँ पे जब पेरेंट्स ने इनको बोला कि आप इतने परेशान रहते हो हम आपको श्रीनगर ले चलेंगे अब उससे मिलाने नुखसाना से उसे कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी श्रीनगर तो दूर की बात है मैं अपने बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी एक्चुअली जो अभिले है वो कभी भी अपने गांव को छोड़ के अपने घर से दस कदम या पंद्रह बीस कदम दूर भी कभी नहीं गई थी आठ साल के गैप के बाद दो साल पहले वो कहा गई एक कोई फेस्टिवल होगा उनके गांव में वो देखने वो गई थी एनुअल फेस्टिवल ले टाउन में और जब वो वापस घर आई तो उसने कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है मैं आगे से कभी नहीं वहां जाऊंगी तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टोरी है ना ये एक रियलिटी है बेटा सबके साथ यही होता है आपको पता हमारे बड़े बुजुर्ग वहीं रहते हैं जहां पर उनकी जड़ें जहां उनका जन्म मतलब पालन पोषण हुआ हो चाहे आप किसी बहुत बड़े शहर में भी चले जाए लेकिन वो अपने गांव को छोड़ के कहीं नहीं जाते तो ड्यूरिंग दोज डेज अ डॉटर ऑफ a distant relative came to visit them in their village she lived in delhi abila did not recognize her and kept her staring like this when she was told that girl was dolma because she was in modern dress so Abile was surprised to think from where this mamsab came when the girl told her that she lived in delhi abila asked her that she might, might have that she must have met uh, rukhsana

उसका नाम था डोलवा जब वो आई तो अभिले ने बड़े उसको ध्यान से ऐसे ऐसे देखना शुरू कर दिया क्योंकि उसने मॉडर्न ड्रेस पहनी थी और गांव में अगर कोई मॉडर्न ड्रेस पहन के आ जाए तो बहुत अचंबा होता है तो सोचने लगी ये मेम साहब कहां से आ गई तो उसने पूछा ये मेम उसने कहा कि मैं डोलबा हूं और मैं दिल्ली से आई हूं बस फिर वही पुरानी रट तुम जरूर रुखसाना से मिली होगी तुम हर रोज रुखसाना से मिलती हो तो फिर उसने कहा नहीं दादी मैं रुखसाना से नहीं मिलती क्योंकि रुखसाना मुझसे बहुत दूर है और रुखसाना एक बहुत बड़े सिटी में रहती है बिना एड्रेस के उसको ढूंढना पॉसिबल नहीं है किसने कहा ये डोलमा ने फिर राइटर्स अंकल समटाइम्स केम टू विलेज टू हंट वंस ही लेफ्ट हिज डबल बैरल गन बिहाइंड इट वाज केप्ट इन द किचन स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि इस शॉर्ट स्टोरी में हम कुछ इंपॉर्टेंट एपिसोड्स जो इस कहानी में जो दादी माने किए फनी एपिसोड्स वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी तो वही जैसा ये एक एपिसोड मैंने आपको बताया कि जब उसकी गाड़ी खराब हुई तो दादी को लगा कि वो एक्सीडेंट हो गया जब अर्थक्वेक आया तब उनको लगा कि अर्थक्वेक टर्की में आया उनको लगा ये वहां पे रुकसाना को नुकसान पहुंचा होगा फिर जब वो ढोलमा आई वो आई दिल्ली से लेकिन दादी माँ उसको पूछ रही है कि क्या रुखसाना मिलती है आपको ठीक है ना तो ये भी एक फनी एपिसोड है कि उनको ये नहीं पता कि कहा दिल्ली और कहा श्रीनगर अब एक और फनी एपिसोड क्या हुआ कि जब राइटर्स वन राइटर्स अंकल वो एक बार वहां आते थे कभी कभी गांव में शिकार करने के लिए एक बार वो अपनी डबल बैरल गन बड़ी जो गन डबल बैरल वाली वो भूल गए वहां पे वो किचन में ही रह गई तो अभी ले इतनी थी, अभी ले वो सो टेंस दैट शी कुड नॉट स्लीप फॉर टू नाइट दो रात वो सो नहीं पाई और वो किचन में रखी हुई थी गन अभी शी गार्डेड द किचन ऑल डे टू मेक श्योर दैट नो चाइल्ड टच द गन एज यूजल वो पूरा दिन किचन की रखवाली करती रही कि कोई बच्चा उस गन को टच ना करे शी द कंसेप्शन कि एज सुन एज इट वॉज द बुलेट वुड एक्सप्लोर्ड इंस्टेंटली एंड एवरी वन वु डाई इनके मन में क्या था कि जैसे ही कोई उस गन को हाथ लगाएगा ये ब्लास्ट कर जाएगी और हम सब मर जाएंगे द राइटर वुड टेक एडवांटेज ऑफ अबिले सिंप्लिसिटी द चाइल्ड चिल्ड्रन वुड ऑफन ऑफ्रंटियर हिज नोटबुक्स टू मेक काइट्स एंड बोट्स हिपोट एन ए टेयरफुल फेस बिफोर अभी एंड टोल्ड हर दैट डोज पेपर वर ऑफिशियल If they were torn, he would be penalized. Those words work like magic on her, and she all these papers even in his absence. Among them were also the papers for wrapping spices, snuff, etc. क्या था कि जो वो राइटर था वो कभी कभी अपनी दादी की सिंपलिसिटी सादगी का बहुत फायदा उठाता था क्योंकि बच्चे अक्सर उनकी कॉपियां फाड़ के काइट्स बनाते थे किश्तियां बनाने के लिए जैसे कागज की किश्तियां बनाते थे ना हम बचपन में तो वो फाड़ दिया करते थे तो वो चेहरा बड़ा रोना सा चेहरा बना के उनके आगे आ जाना दादी के आगे अभी मेरे का ये देखो बच्चों ने मेरा कितना नुकसान कर दिया ये कागज जो है बहुत जरूरी थे ऑफिशियल थे तो फिर दादी जो जब वो ऐसा रोना सा मुंह बना के दादी के सामने लेके जाता था तो इस चीज का उस पर बहुत गहरा इम्पेक्ट पड़ता और फिर दादी क्या करती कि राइटर की एबसेंट में उन कागजों को बहुत संभाल के रखती थी वो ताकि और वो उसको आंच भी नहीं आने देती थी और वो पेपर्स कौन से होते थे जिनमें कोई हम मसाला लपेटते हैं कोई कुछ लपेटने वाले कोई जरूरी कागज वो नहीं होते थे तो है ना इंटरेस्टिंग आ रहा है ना मजा आपको सुनने में भी अक्सर हमारी दादियां भी ऐसे ही करती हैं और आपकी भी ऐसे ही करती होंगी ठीक है ना फिर क्या हुआ वन डे अभिले एंड हर नेवर वेन टू सिनेमा हॉल टू सी फिल्म द फिल्म वॉज अबाउट मदर इन लॉज हरासमेंट ऑन हर डॉक्टर इन लॉज बिटली एक दिन क्या हुआ कि अभिले और उनकी एक पड़ोसी क्या हुआ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए चले गए फिल्म जो थी किसके बारे में थी सास और बहुओं की लड़ाई के बारे में कि कैसे जो सास है वो अपनी बहुओं पे अत्याचार करती थी तो वेन फिर जब जब भी कोई फिल्म के बारे में बात करता था उस दिन से लेकर टू अबीज टू अबीज यानी दो दादियां मैंने बोला ले में दादियों को अभी ले बोला जाता है और शॉर्टली अभी तो दो दादियां जब भी पड़ोस की कोई एक हो गई वो जब दोनों इकट्ठी बैठती थी हमेशा हर सिस्टर मतलब मदर लॉ हर सास को गालियां देना शुरू कर देती थी तो बेटा ये देखो मैं आपको ये इसकी समरी बता रही हूं ये छोटे छोटे एपिसोड्स हैं इंपॉर्टेंट एपिसोड्स हैं शॉर्ट स्टोरीज में तो आपको ये बड़े ध्यान से सुनने हैं समरी को भी बड़े ध्यान से सुनना है इसको आप लाइटली मत लीजिएगा और हाँ एक बात और अगर आप मेरी जो मैंने आपको ये लेसन बताए हैं या जो स्टोरीज आपको कराई हैं ऑलरेडी इनकी अगर आप समरीज सुनना चाहते हैं रिपीट करना चाहते हैं रिपीटली सुनना चाहते हैं तो ये ऊपर जो ये आई बटन है आप इसको क्लिक करके वो आप सुन सकते हैं क्योंकि समरीज को जब आप सुनेंगे ना अपने आप आपको क्वेश्चन आंसर उसमें क्लियर हो जाएंगे आप जो आपको क्वेश्चन मैं देती हूं इसमें आप उसको खुद करने के काबिल बन जाएंगे ठीक है बच्चा तो लेट इस कंटिन्यू माई दिस समरी ऑफ अभिले तो बात चल रही थी अभिले के फनी एपिसोड्स की तो वो पिक्चर देखने के बाद जब वो दो दादियां बैठ के तो सॉरी फिर क्या करती थी सॉरी सासों की बहुत बुराई करती थी एक बार द नेबर टोल्ड अभिले दैट ही हर्ड न्यूज ऑन रेडियो that there was flood in srinagar and she was worried about rukhsana and abused everyone for sending rukhsana to srinagar and at last she decided to go srinagar ek bar kya hua unke ek padosi ne unhe bataya ki srinagar mein baad aayi hai aur wahan pe Uh, फिर वो फिर से रुखसाना के लिए वरीड हो गई लगी फिर गालियां देने घर में सबको कि आपने रुखसाना को श्रीनगर भेजा फिर उसने डिसाइड किया कि मैं खुद श्रीनगर जाऊंगी और रुखसाना से मिलूंगी इन श्रीनगर अभी ले a हर श्री शिवास शोन डल लेक निशाद बाग शालमा गार्डन चार चिनार एक्सेट्रा फिर वो गई वहां पे वहां पे गले लगी उसके श्रीनगर जाके रुखसाना की बहुत रोई रुखसाना ने फिर उनको घुमाया जगह अलग अलग जगह दिखाई निषाद बाग डल लेक चार इस तरह बहुत जगह दिखाई एंड फोर डेज पास विदाउट एन एस इंसिडेंट बट ऑन द फिफ्थ डे अभी लेर दैट शी वुड रिटर्न टू ले चार दिन तो ठीक से निकल गए पांचवे दिन उसने फिर से डिक्लेयर कर दिया कि मुझे वापस जाना है ले बिकॉज शी वॉज मिसिंग द चिल्ड्रन क्योंकि वो बच्चों को मिस कर रही है अपनी डॉटर को ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सबको सब मिस कर रही है सो ऑन द सेम इवनिंग दे परचेज द रिटर्न टिकट एंड रिटर्न ले इस तरह उसने शाम को रिटर्न टिकट खरीदी और ले के लिए वापिस रवाना हो गई सो so, बेटा ये थी आपकी अभिले की समरी और उसके कुछ फनी एपिसोड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए यहां पे जो क्वेश्चन आंसर हैं सबसे इंपॉर्टेंट है जनरेशन गैप मैंने आपको समरी सुनाई थोड़ा सा आप खुद ट्राई कीजिए उसे लिखने में उसके नोट्स बनाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर मैं आपकी हेल्प करूंगी अब जैसे मैंने इसमें बोला कि एक ये अभिले किसको बोला जाता है दादी को कागा किसको बोला जाता है एल्डर ब्रदर को अब्बा अब्बा तो आप अब जानते ही हैं सभी फादर को बोला जाता है अगु अगु किसको बोला जाता है अंकल को एंड अच्छे आंट ठीक है बेटा तो इस तरह जो है ये हमारा आ, ये जो वर्ड मीनिंग है वो भी आपको करने हैं और जो ये तो मैंने ऐसे ही आपको बताया कि किसको क्या बोला जाता है इस लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जनरेशन गैप आप वो करेंगे और उसके बाद ये जो होम टास्क है आपको लास्ट में लेक्चर के एंड में आपको होम टास्क भी दिख जाएगा और आप इसे करेंगे और पूरी वीडियो एंड तक देखिए तभी आपको ये चीज समझ में आएगी और इंजॉय कीजिए और वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर का तब तक स्टे हो स्टे सेफ एंड है नाइस डे